शुक्रिया जनाब स्पीकर। फजर की नमाज की अजान हो गई है और मैं इसमें ज़रा भी ताखीर का बोझ अपने कांधों पे नहीं ले सकता फजर की नमाज के हवाले से। तो मैं जनाब स्पीकर ये कहना चाहूँगा कि आज ये एक तारीखी दिन है और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक़ राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है और आज इंशाअल्लाह एक नई सुबह तुलू होगी, एक नया सूरज आज निकलेगा इंशाअल्लाह, जिससे कि पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी होगी। और जनाब स्पीकर जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीरे आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, जिसके ज़रिए मनमानी फ़ैसलों से रेकोटेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे केसेस हैं कि लोग तरस रहे हैं इंसाफ को और उनके प्यारे अगले जहां चले गए। जनाब स्पीकर मेरा यहां पर इरादा था कि मैं आज इस मौजू के ऊपर इस मौजूद ऐवान में अपने इस तरफ और इस तरफ इंतहाई मौजूद अराकीन के सामने अपनी मारूजात पेश करता, लेकिन चूंकि हज़रत मौलाना ने जमात अभी करानी है और वक्त गुजर रहा है फजर की नमाज का, मैं ये कहूँगा जनाब स्पीकर कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 2006 में लंदन में जिसके ऊपर दस्तखत हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी, आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुँचा जनाब स्पीकर। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आज जो बातें यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर्स ने की ऑपोजिशन के, मैं समझता हूँ कि उसकी तसदीक करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि आज जितने भी साथियों ने बुज़ुर्गों भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में, वो ये ज़ोमा उनकी पार्टीज़ के ऑनरेबल मेंबर हैं और आज़ाद अरकान ने उन्होंने वोट डाले हैं, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर मैं आपको बताना चाहता हूँ और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, मैं उसका ये वक्त नहीं कि मैं जवाब दूँ कि एक बहुत आज पाकिस्तान की तारीख में एक मरतबा फिर एक बड़ा अजीम दिन आया है जिसके ज़रिए ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और जजेस वो जो अच्छे जजेस हैं आज इस मुल्क की तारीख में बड़े बड़े अजीम जजेस आए, जस्टिस कियानी आए, जस्टिस करिनलिस आए और बड़े बड़े जजेस आए जिन्होंने तारीखी फैसले लिखे, लेकिन वो भी जजेस आए, जजेस के नाम पर जजेस मैं कहूँगा कि जिन्होंने क्या किया, जिस तरह यहाँ पर बात हुई कि एक पानामा था वो ख़त्म हो गया और अकामा के ऊपर सजा दे दी गई, दो वज़ीरे आज़म को घर भिजवा दिया गया और मनमानी की गई, यहाँ पर एक नाम लिया गया एक जज का सुप्रीम कोर्ट के जो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, वो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए,
मैं समझता हूं कि ये जनाब स्पीकर इसको कहते हैं अंग्रेजी में व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैं आज यहां पर ये कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि इस हवाले से मैं आज ये कहूंगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब खालिद मकबूल सदीकी साहब, जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब, जनाब अब्दुल अलीम खान साहब, जनाब सरदार खालिद मक्सी साहब, जनाब एमल वली खान साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, जनाब एजाजुल हक साहब, जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब और इनके पार्टियों के ऑनरेबल मेंबर्स और आज़ाद अराकीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस अजीम काम में आगे बढ़कर उन्होंने आज अपने वोटों से पाकिस्तान की जो आइन है उसमें ऐसी तरामीम की हैं जिससे कि इंशाल्लाह इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इंशाल्लाह मजबूत होगा, महफूज होगा। और इसी हवाले से मैं समझता हूं कि मैं इस मौके के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरहूमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और 18 साल पहले इसकी बुनियाद रखी। इसके अलावा जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं और ये बात रिकॉर्ड पे आनी चाहिए कि हमारे पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के लीडर जवान साल बिलावल भुट्टो साहब ने इस सारे अरसे में बेपनाह मेहनत की, खलूस दिल के साथ मेहनत की और पूरी काबिशें की। और मैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का, उनका दिल की अदा गहराइयों से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बहुत ठोस दलाइल के बावजूद कि उनके अपनी नाराज़गी थी, उनके अपने बड़े एक मैं समझता हूं कि एक ज़ोरदार उनके ऑब्जेक्शन थे, उसके बावजूद भी जी वैलिड रीज़न, उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में न सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि आगे बढ़कर वो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और इसमें मैं भी शामिल था, बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल थे, लॉ मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो साहब के, उनके साथी थे मौलाना साहब के साथ, उनके साथी थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे। जनाब स्पीकर, मैं आपको बिल्कुल दर्द दिल से अर्ज करता हूँ कि उसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस इत्तेफाक के साथ, काश पीटीआई भी इसमें आती और आज आती तो बहुत अच्छा होता। मैंने अभी उनको कहा कि आप इसमें शामिल नहीं थे, आप अगर आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे मुल्क में ये पैगाम गया कि हाउस के अंदर जो पार्टीज मौजूद हैं और जो जोमा मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने ज़ाती मफाद को कुर्बान करके और अपनी ज़ाती अना को एक तरफ करके वो आगे बढ़े और उन्होंने ये 26वीं तरमीम जो है जो पाकिस्तान की तारीख में संगे मील की हैसियत रखेगी इंशाल्लाह, उन्होंने आगे बढ़कर इस अजीम काम को, कारनामे को अंजाम दिया। मैं आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं आप सब के साथ मिलकर। और जनाब स्पीकर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने और आपके पूरे आपके ऑनरेबल जो मेंबर्स एंड स्टाफ के, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि सारी रात आज हम बैठे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए एक गरां कदर खिदमत अंजाम दिया। मैं इस पूरे हाउस को अपने लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर और पीछे हमारे जितने ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, मैं इन सब का इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ा वक्त दिया, बड़ी दिलचस्पी ली और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। अल्लाह ताला इसमें अब बरकत डाले, पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए और इंशाल्लाह इस तरमीम के ज़रिए इंशाल्लाह जो खतरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। पाकिस्तान अजीम बनेगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी।